हेलो सो नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ए थ्री इंजीनियरिंग पेपर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सेज एल थ्री प्लस एंड प्रोटोन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल देन डीब्रॉय वेवलंथ लेमडा एल आई एंड लेमडा पी द रेशियो सो आपको डिब्रॉय वेवलिंथ का रेशियो निकालना है एक एल के लिए एक प्रोटोन के लिए तो देखते देखिए बेटा आपको पता होगा वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन होता है वो जब एक चार्ज पार्टिकल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो वो होता है एच ओवर ट्वाइस एम ई वी राइट अब यहां पे आपको क्वेश्चन में निकालना है वेवलेंथ लिथियम थ्री प्लस आयन के लिए और एक प्रोटोन के लिए करेक्ट तो हम लोग दोनों के लिए देखें तो जब भी आपको रेशियो निकालना होता है बेटा तो आप क्या करेंगे आपको जो भी कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे जैसे कि कॉन्स्टेंट्स एच है टू है और सिंस के यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सिलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल तो आपका वी भी सेम है दोनों केस में तो सिंस की आपको रेशियो ही लेना है तो आपको ये कॉन्स्टेंट्स तो ऐसे भी कैंसल्ड आउट हो जाएंगे तो द थिंग इज वी कैन री राइट दिस सेम एक्सप्रेशन एज इंस्टेड ऑफ इक्वल आई विल जस्ट राइट द प्रोपोर्शनलिटी इट विल बी वन बाय रूट ओवर एम ई बिकॉज बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स तो ऐसे भी रेशियो में कैंसल आउट uh, हो जाएंगे राइट right? तो अब यह चीज हम लोग देखेंगे दो चीज के लिए एल आई थ्री प्लस एन के लिए और प्रोटोन के लिए तो अगर हम लोग पहले प्रोटोन के लिए लिखते हैं तो लेमडा प्रोटोन कितना हो जाएगा बेटा वन बाय रूट ओवर मास ऑफ प्रोटोन एंड जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, है कि नहीं प्रोटोन के ऊपर चार्ज होता है ई प्लस लाइक द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड लेमडा एल आई के लिए कितना आएगा सॉरी इक्वल नहीं होगा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी अगर देखें तो लेमडा एल आई आएगा आपका वन बाय रूट ओवर मास ऑफ एल आई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एस मास ऑफ एल आई इज नाइन टाइम्स द मास ऑफ प्रोटोन सो कैन आई राइट जस्ट नाइन टाइम्स द मास ऑफ प्रोटोन और आपको पता है कि चार्ज लिथियम के ऊपर क्वेश्चन में दिया ही गया है एल आई थ्री प्लस तो प्रोटोन के ऊपर जितना चार्ज होता है प्रोटोन के ऊपर चार्ज होता है प्लस वन तो लीथियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा थ्री राइट e, right? अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है लेमडा एल ले आई बाई लेमडा पी का वैल्यू निकालने के लिए तो लेमडा एल ले आई बाय लेमडा पी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा बेटा वो आएगा वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर कैन आई राइट दिस एज रूट ओवर ट्वेंटी सेवन एम पी इंटू ट्वेंटी सेवन एम पी इंटू ई एंड फॉर प्रोटोन द सेम वैल्यूल रूट ओवर एम पी इन टू ई अब आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि इसमें भी रूट ओवर एम पी और ई कैंसल आउट हो जाएंगे जिसके बाद जिसके बाद यह पूरा चीज बचेगा बस आपका वन बाय रूट ओवर ट्वेंटी सेवन वन बाय रूट ओवर ट्वेंटी सेवन को अगर मैं एक्सप्रेस करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं बाय थ्री रूट थ्री सो शुड बी ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या बोल रहा है बेटा आपको बोल रहा है रेडिएशन कर ट्रांजिशन एन इक्वल टू फोर टू एन इक्वल टू टू इन हाइड्रोजन एटम falls on a certain metal uh, whose work function is given as 2.5 electron volt bola hai maximum kinetic energy of the photoelectrons will be ab sabse pehle to hum log ko ye energy of photon nikalne ke liye ye जो transition में जो energy है जो energy difference है वो निकालना पड़ेगा अब आपको पता है कि energy of nth orbit is equal to minus z square by n square थर्टीन पॉइंट सिक्स ई वी राइट माइनस थर्टीन हाँ माइनस जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर थर्टीन पॉइंट सिक्स ई वी अब आपको अगर एन इक्वल टू फोर और एनिक्वल टू टू के बीच का ट्रांजिशन का एनर्जी निकालना है तो हम लिखेंगे ई फोर माइनस ई टू ई फोर माइनस ई टू अगर हम लिखते हैं बेटा तो वो आ जाएगा आपका आ, और फॉर हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू हम वन रख देंगे बेटा तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस वन बाय फोर के लिए फोर स्क्वायर इंटू थर्टीन पॉइंट सिक्स माइनस वापस से एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट विच विल बी माइनस लेट्स से का वैल्यू वन टू स्क्वायर थर्टीन पॉइंट सिक्स राइट इसको मैं वापस लिख सकता हूं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा तो आ जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय फोर माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय सिक्सटीन तो अगर हम यहां से 13.6 कॉमन ले लेते हैं, तो 13 13.6 पॉइंट सिक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा नथिंग बट थ्री बाय फोर तो हम और आपको 13.6 पॉइंट सिक्स बाय फोर का वैल्यू आपको याद ही होना चाहिए मेरे हिसाब से 3.4 होता है बेटा इन टू थ्री ये भी अगर आप सॉल्व करें थ्री बाय थ्री फोर्थ ऑफ थ्री पॉइंट फोर विल कम अराउंड टू पॉइंट फाइव फाइव ईवी राइट अब दिस इज न एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन अब हम क्या यूज करेंगे बेटा आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे हम यूज करेंगे आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सेज एच न्यू विच इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी तो अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी में लाइक uh, like मेरे को अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हम निकाल चुके हैं बेटा टू पॉइंट फाइव फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो आता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच शुड बी द कानेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन राइट दिस शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अब अगर हम चार ऑप्शन देखें हमारा जीरो पॉइंट फाइव फाइव इज नॉट द करेक्ट आंसर टू पॉइंट करेक्टर डी विच इज नंबर ट्वेंटी एट 28 28 अगर देखते हैं थियोटिकल क्वेश्चन है which of the following ऑफ द फॉलोइंग mechanics ऑफ क्वांटम agreement with Bose मॉडल तो यहां पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी एक्यूरेटली क्या ये बोर के साथ करता है? ये नहीं करता है क्योंकि बोर ने आपको याद होगा फॉर्मूला निकाला था जिसको आपको याद होगा एन स्क्वायर बाइड ए नॉट राइट तो बोर हमको एग्जैक्टली exactly रेडियस बता रहा था इच ऑर्बिट्स का राइट right? ले, लेकिन क्वांटम एडम क्वान मॉडल क्या बोलता है आपको क्वांटम बोलता है कि हम उसका पोजिशन एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस नहीं निकाल सकते right? तो मॉडल uh, uh, like, और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों ये सेम बात नहीं करता है uh, दूसरा सेकेंड वाला देखें तो बोलता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम इज दैट इज कैन ओनली हैव स्पेसिफिक वैल्यूज ये बिल्कुल सही है बेटा क्योंकि बोर ने ये बिल्कुल बोला था बोर के एनर्जी के एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो उसने बोला है कि माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और थर्ड स्टेटमेंट पे अगर हम आते हैं तो बोलता है कि एन ऑरबाइटल केन नॉट कंटेन मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स बोर ने तो कभी ऑरबाइटल का बात ही नहीं किया बोर ने कभी ऑर्बिटल का बात ही नहीं किया तो ये स्टेटमेंट बोर के मॉडल के साथ अग्री नहीं करता है तो आउट ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स यू कैन सी कि ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट है जो कि बोर के मॉडल के साथ अग्री करता है तो हम क्या बोलेंगे हमारा आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर विच इज ओनली टू अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन 29 में अगर आते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी आपको पता है फॉर्मूला होता है हाफ एम वी राइट अब बोर ऑर्बिट बोला है बोर ऑर्बिट बोला है तो आपको बोर का वो पॉस्टुल याद होगा जिसमें उसने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो उसने बोला था कि एम वी आर आर एन मस्ट बी अल्टीपल ऑफ मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ एच क्या करेंगे बेटा हम यूज करेंगे यहां पे वेलोसिटी का वैल्यू यहां से निकालेंगे वेलोसिटी का वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो वो आता है एनएच डिवाइडेड बाय टू पाई एम आर एन काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए मेरे को चाहिए आ, अब v स्क्वायर का वैल्यू तो हम यहां से v स्क्वायर निकाल लेंगे v स्क्वायर अगर निकालते हैं तो वो आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायर हम क्या करेंगे बेटा वेलोसिटी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहां से आके काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में सब्सिट्यूट कर देंगे तो अगर सब्सिट्यूट करने के बाद देखा जाए क्या आता है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ रहा है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के जगह पे हम यह वैल्यू डालेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर राइट अब आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा यहां पे एम और एम स्क्वायर कट जाएगा यहां से अगर टू फोर सा देखें तो वन बाय एट आ रहा है मेरा एन स्क्वायर अब हम क्या करेंगे की यहां पर वैल्यू Uh, सारे ऑप्शन ए नॉट के टर्म्स में है तो विल यूज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस गिवेन बाई बोर विच वॉज आर एन इज एन स्क्वायर बाय जेड ए नॉट हम क्या करेंगे यहां पे आर एन का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे यहां पे हमको करना है आर एन स्क्वायर तो वो लिखेंगे बेटा देखियो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर एम और एन स्क्वायर बाय जेड ए नॉट उसका स्क्वायर तो एन स्क्वायर बन जाएगा एन के पावर फोर डिनोमिनेटर में जेड आ रहा है वो नीचे से चला जाएगा ऊपर बन जाएगा जेड स्क्वायर और ए नॉट का स्क्वायर आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर अब सॉरी यहां पे हम टू फोर को मल्टीप्लाई करके एट ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहां पे फोर नहीं आएगा हम सॉरी अगेन उ यहा एन स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे एन की पार फोर दिखाई दे रहा है एन N N कटेगा तो बचेगा बस एन स्क्र अब की में बोला गया है फॉर हाइड्रोजन एटम तो जेड का वैल्यू हम क्या कर देंगे बेटा वन कर देंगे जेड का वैल्यू वन करने के बाद और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा क्वेश्चन में बोला है इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट तो देर फोर एन इज इक्वल टू टू जेड इक्वल्स वन ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा आता है वन बाई एट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा बेटा क्या एन का वैल्यू टू है तो टू स्क्वायर आ जाएगा फोर ए नॉट स्क्वायर तो हम देखें तो एट फोर से क्या होता है बेटा थर्टी टू तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय थर्टी टू पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर ये हमारा कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है ऑप्शन सी सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर तो ट्वेंटी नाइन इज डन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी 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 के क्वेश्चन uh, क्या बोल रहा है बेटा देखो एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज टू एंगुलर नोट एंड वन रेडियल नोट तो पूछा है वो कौन सा ऑर्बिटल है अब अगर आप एंगुलर नोड का फॉर्मूला देखें तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन राइट क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन तो इन दोनों का सम भी आप देख सकते हैं कि एन माइनस वन आ रहा है अब क्वेश्चन बोला है कि एंगुलर नोड्स दो हैं एंगुलर नोड्स अगर दो हैं इसका मतलब क्या बेटा एल का वैल्यू टू एल का वैल्यू टू मिल गया हमको अब एल का वैल्यू अगर रेडियल नोड के एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमको पता है कि एन माइनस वन सॉरी एन माइनस एल माइनस वन का वैल्यू कितना आ रहा है वन आ रहा है एल का वैल्यू टू सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे एन माइनस टू माइनस वन इज वन यानी कि एन माइनस थ्री इक्वल्स वन देर फोर एन का वैल्यू आ जाएगा फोर एन का वैल्यू फोर अब मेरे को एल का वैल्यू टू अब आपको पता होगा कि एल का वैल्यू जीरो वन टू और थ्री हो सकता है विच रिप्रेजेंट्स एस पी डी एंड एफ सब्शन है कि नहीं तो एल का वैल्यू अगर आप देखें तो टू किसको को करिस्पॉन्ड करता है बेटा डी को टू है एन फोर है यानी कि हमारा जो ऑर्बिटल है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो है फोर डी फोर डी इज ऑप्शन नंबर डी सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज लेकिन आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं सी के टर्म्स में राइट तो आपको पता होगा बेटा कि बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है z बाय एन 2.16 पॉइंट इन के पावर 6 मीटर पर सेकेंड अब हमको बोला गया है फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन तो एन का वैल्यू भी वन z का वैल्यू भी वन तो हम बोल सकते हैं कि वी वन विल बी इक्वल टू टू पॉइंट वन के पावर 6 मीटर पर सेकेंड अब क्वेश्चन में आपसे Uh, बोला है कि ये वेलोसिटी निकालना है सी के टर्म्स में तो हम क्या करेंगे बेटा हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे सी से और डिवाइड भी करेंगे सी से ये करने से क्या होगा देखो बेटा अब हम क्या करेंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इन टू टेन के पावर सिक्स इंटू सी लेकिन डिनोमिनेटर में जो सी है उसका वैल्यू मैं सब्सिट्यूट कर दूंगा उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हम लिखेंगे थ्री इन टेन के पावर एट राइट right? अब मेरे को बताइए कि ये 2.16 और 3 काटूंगा इसका कैलकुलेशन आपको करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा आपको पता है कि 3 इज जस्ट स्लाइटली बिगर देन 2.16 तो इसका वैल्यू 1. पॉइंट समथिंग आना चाहिए तो हम आराम से बोल सकते हैं अपने ऑप्शन को देख के वैल्यू वन पॉइंट थ्री होगा और टेन पर सिक्स टेन पर एट को काटेगा तो टेन स्क्वायर आएगा राइट right? यानी कि हम बोल सकते हैं 10 square, 1.37 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट सी डिवाइडेड सो दिस शुड बी दी आंसर विच इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन टू थर्टी टू क्वेश्चन जो है वो देखिए बेटा टू हंड्रेड यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल टू इनफिनिटी द एनर्जी रिलीज वेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इनफाइनाइट लेवल टू द सेकेंड ऑबिट देखते हैं देखो बेटा अब ये अगर न्यूक्लियस है यह मेरा फर्स्ट शेल सेकेंड शेल थर्ड शेल और इससे काफी ऊपर मैंने मान लिया एनिक इनफाइनाइट राइट ये एनिक्वल्स वन है इक्वल्स टू है इक्वल्स थ्री है राइट right? अब आपसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से इक्वल टू इनफाइनाइट पे लेके जाना है अगर तो मेरे को 200 हंड्रेड यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए अब आपको पता है कि इनफाइनाइट पे यानी कि जस्ट आउटसाइड राइट? जस्ट आउटसाइड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहां जीरो है यानी कि 200 ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी गेन करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो हो रहा है यानी कि हम बोल सकते हैं ई वन जो होगा दैट विल बी माइनस टू यूनिट्स राइट अब देखो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है ई एन दैट इज माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन टू से ई नॉट यूनिट्स राइट तो इस पे अगर हम लोग फर्स्ट शेल का या फर्स्ट ऑर्बिट का कंडीशन अगर सब्सटीट्यूट करते हैं अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा बेटा हम बोलेंगे एन का वैल्यू वन है एन का वैल्यू वन है यानी कि हम बोलेंगे ई वन इज माइनस जेड स्क्वायर इन टू ई नॉट राइट और ई वन हमने पता कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन एन द क्वेश्चन कि दैट शुड बी इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड यूनिट्स अब अगर हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालें तो क्या आएगा बेटा माइनस जेड स्क्वायर इन ई नॉट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन का वैल्यू टू है तो डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा अब न्यूमिनेटर का वैल्यू हमको पता है न्यूमिनेटर का वैल्यू इज वॉट माइनस टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर दाइनस फिफ्टी यूनिट्स तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से एन इक्वल टू टू पे ड्रॉप होता है तो किस एनर्जी का फोटोन एमिट होगा अब आपको पता है कि एन इक्वल टू टू और एन इक्वल टू इनफिनिटी में एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा यहां माइनस फिफ्टी है ई टू का एनर्जी माइनस फिफ्टी है और यहां जीरो है तो एनर्जी डिफरेंस होगा फिफ्टी यूनिट्स तो जो फोटोन रिलीज होगा उसका एनर्जी भी कितना होगा फिफ्टी यूनिट्स राइट विच इज ऑप्शन नंबर सी आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे 33 क्वेश्चन देखते हैं बोला है और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रूट थ्री एच बाई पाई देन द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ दिस और इन स्पेस आर और एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होता है वो होता है मोमेंटम का एक्सप्रेशन होता है बेटा रूट ऑफ एल इन टू एल प्लस राइट रूट ओवर ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई अब इसका वैल्यू अगर दिया हुआ है रूट थ्री एच बाई पाई तो हम आराम से निकाल सकते हैं देखिए बेटा पाई पाई कैंसल्स तो हम बोल सकते हैं कि रूट ओवर ऑफ रूट ओवर ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इज टू रूट थ्री तो हम बोल सकते हैं कि एल इंटू एल प्लस वन इज स्क्वायर कर दिया मैंने तो यहां कितना हो जाएगा बेटा टू स्क्वास फोर रूट थ्री स्क्वास थ्री फोर थ्री अब ट्वेल्व इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर राइट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो हम क्या बोलेंगे हम आराम आराम से बता सकते हैं कि एल का वैल्यू थ्री होना चाहिए और ये होना चाहिए थ्री प्लस वन राइट तो इससे आ गया मेरा एल का वैल्यू थ्री सॉरी एल का वैल्यू आ गया मेरा थ्री एल का वैल्यू थ्री विच करेस्पॉन्स टू एफ सब्शल अब एफ सब्शेल पे अगर देखें में में कितने और बेटा? आपको पता होगा सात और बाइटल्स होते हैं और सातों और बाइटल्स का ओरिएंटेशन इन स्पेस अलग होगा जैसे कि आपको पता है कि पी और बाइटल में तीन और सॉरी पी सब्शल में तीन और बाइटल होते हैं पी एक्स पी वाई जेड पीजेड जो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं राइट तो उसी तरीके से ये एफ सब्शेल भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपना अलग अलग ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करेंगे तो क्वेश्चन में पूछा है जस्ट नंबर ऑफ ओरिएशन बेसिकली द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ तो आंसर शुड बी सेवन विच इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फोर थर्टी फोर क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एग्जिबिट जोमेट्रिकल आइसोमिज्म अब अगर आप चारों ऑप्शन को अच्छे से देखें तो यहां पे दो ऐसी चीज है जो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं यानी कि जिनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है एक तो है वो डबल बॉन्ड और एक है वो साइक्लोप्रोपेन का रिंग तो देखिए बेटा कंडीशन जो होता है चाहे आप इसमें देखें, डबल बॉन्ड में देखें तो हम क्या बोलते हैं कि जो यहां ए बी सी डी अगर ले लेते हैं तो कंडीशन फॉर जी आई ए मस्ट नॉट इक्वल टू बी एंड सी मस्ट नॉट बी इक्वल टू डी ठीक है तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें हमारा ऑप्शन ए क्या बोलता है ऑप्शन ए है यहाँ एम है यहाँ एम है यहाँ एम है यहाँ भी एम है तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो बेटा अबाउट डबल बॉन्ड अबल अबाउट डबल बॉन्ड अगर हम लोग देखें तो इधर देखिए दोनों तरफ एम आ गया दोनों तरफ अगर मिथाइल आ गया तो ये जी शो नहीं करेगा लेकिन हमको साइक्लोप्रोपेन रिंग भी देखना है साइक्लोप्रोपेन रिंग में अगर देखें तो साइक्लोप्रोपेन रिंग में यहाँ पे एम है एक तरफ एच है यहाँ एम है और एक तरफ एच है तो इस साइक्लोप्रोपेन रिंग में ये दोनों इक्वल नहीं हुए ये दोनों इक्वल नहीं हुए यानी कि ये वाला साइक्लोप्रोपेन रिंग जी बिल्कुल शो करेगा राइट हमको क्वेश्चन में पूछा है कौन सा जी शो नहीं करेगा अब ये चीज अगर आप देख रहे हो तो अगर आपका नजर ऑप्शन डी पे जाए ऑप्शन डी में आपको दिखाई देगा कि साइक्लोप्रोपेन में जो सब्सटीटेंट्स हैं उसमें भी बी सी सी के बाद अगर आप डी में देखें डी में साइक्लो प्रोपेन में जो सब्सिटुंट हैं वो दोनों एम है और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड में देखें तो यहां एम है यहां एच है तो अगर डबल बॉन्ड के अबाउट देखा जाए अगर डबल बॉन्ड के अबाउट देखा जाए तो यहां तो दोनों अलग है लेकिन डबल बॉन्ड के इस कार्बन से कनेक्टेड दोनों ग्रुप आपको जब इसके अराउंड एनालाइज करना है आप आप चाहे तो आप कर सकते हैं कि ये रिंग कनेक्टेड नहीं है तो अगर आप देखें तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों आइडेंटिकल है राइट और अगर आप तो यानी कि ये डबल बॉन्ड जी आई एग्जिबिट नहीं करेगा और ये साइक्लोप्रोपेन रिंग को देखें तो साइक्लोप्रोपेन में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है तो ये अबाउट द साइक्लोप्रोपेन रिंग भी जी आई शो नहीं करेगा तो अगर दोनों तरफ से जी आई शो नहीं हो रहा तो दिस इज दी है वो कंपाउंड जो जी आई एग्जिबिट नहीं करेगा अगर आप बाकी ऑप्शन में देखें बाकी के साथ कनेक्टेड जो दोनों तरफ ग्रुप्स है वो क्या होगा अलग होगा जैसे ऑप्शन बी में अगर देखा जाए ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक तरफ एम ई एक तरफ एच एक तरफ इधर एम ई है और इस तरफ दोनों तरफ एच है तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दोनों तरफ एच आ गया यानी कि ये रिंग के अबाउट जी आई शो नहीं करेगा लेकिन डबल बॉन्ड के अबाउट जरूर करेगा क्योंकि यहाँ पे एम ई और एच अलग है और इस तरफ एक एम ई है और इस कार्बन पे कोई भी एम ई नहीं है राइट तो ये जी आई शो करेगा और ऑप्शन सी इज ऑल्सो सिमिलरली बेटा इसमें एक तरफ एक एम ई है एम ई है इस तरफ दो e तो एम है तो यानी कि नॉन आइडेंटिकल है तो ऑप्शन सी भी जीआई एग्जिबिट करेगा आंसर हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं 35, 35, थर्टी फाइव द नंबर ऑफ मीसो फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड इज अब एक कंपाउंड मीसो फॉर्म कब एग्जिबिट uh, करता है एक कंपाउंड मीसो फॉर्म को हम मीसो तब बोलते हैं जब एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है लेकिन उसके बाद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इधर प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री एनी एलिमेंट ऑफ सिमिट्री तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इस कंपाउंड में क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच फिर सी एच थ्री अगर आपको दिखाई देगा ये कायरल है ये कायरल है और इस तरह के कार्बन जो आते हैं उसको हम बोलते हैं क्योंकि इसका chirality, इसका का डिपेंड करता है ऑन द कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज टू कार्बन करेक्ट तो हम देखेंगे कि कौन से केस में इस कंपाउंड में पी पीओ एस आ सकता है तो अगर मैं इस कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा बेटा सी एच थ्री सी एच थ्री एच ओ एच इधर भी एच इस तरफ ओ एच इधर एच इस तरफ ओ एच इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखिए बेटा इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये वाला जो प्लेन होगा जो इस सेंट्रल कार्बन के थ्रू पास होगा वो इस कंपाउंड को दो सिमेट्रिक हाफ्स में डिवाइड कर रहा है यानी कि ये एक पी ओ एस है राइट right? ये एक पी ओ एस है यानी कि ये जो फॉर्म है ये क्या है एक मीसो फॉर्म है अब इसको छोड़ के एक और मीसो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है इस मॉलिक्यूल में वो होगा जब सी एच थ्री एच ओ एच इधर ओ एच इसमें भी अगर देखें तो अगर बीच वाले कार्बन पे मैं कॉन्फिग्रेशन चेंज भी कर देता हूं स्टिल दिस प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल कार्बन विल बी पीओएस राइट अगर ये दो फॉर्म देखा जाए तो ये दो फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पी ओ एस आई यानी कि ये वाला जो होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा और इसको हम लोग बोलेंगे मीसो फॉर्म तो बाकी अगर इसको छोड़ के कोई भी कॉन्फिगरेशन देखें हम लोग जिसमें अगर ये ऑपोजिट हो जाता है तो वो मीसो फॉर्म नहीं होगा क्योंकि उसमें ये वाला पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज नहीं होगा राइट तो इस कंपाउंड में अगर देखें तो हमारे पास यही दो मीसो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में आपसे पूछा गया आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया हाउ मेनी जोमेट्रिकल आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आप देखिए बेटा थर्टी सिक्स में आपको दो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एलिन्स एलिन्स में क्या होता है बेटा एलिन्स का लॉजिक क्या है कि अगर एलिन्स में नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स ऑड है तो उन टर्मिनल कार्बन आइटम्स के साथ कनेक्टेड जो ग्रुप्स रहेंगे वो सेम प्लेन पे रहेंगे और अगर एलिन्स का लाइक like, एलिन्स में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन है तो टर्मिनल कार्बन आइटम्स के साथ जो कनेक्टेड ग्रुप्स रहेंगे वो परपेंडिकुलर प्लेन्स में रहेंगे तो इस कंपाउंड को अगर मैं बनाता हूं तो यहां पे मैं देखो किस तरीके से बना रहा हूं सी एच डबल बॉन्ड सी उसके साथ कनेक्टेड है वापस डबल बॉन्ड सी एच तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूं तो इस कार्बन के साथ जो कनेक्टेड दो ग्रुप्स हैं एक है सी एच थ्री और एक एच वो लेट्स से एक आउट ऑफ प्लेन जाएगा एक इधर इस तरफ आएगा तो एक तरफ मान लेते हैं इसको सी एच थ्री एक तरफ एच और इससे इस कार्बन के साथ जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो इस प्लेन में रहेगा एक एच और यहां वापस से आ रहा है आपका C, C के साथ डबल बॉन्ड यानी कि यहां पे एक H, यहां C एक H, और ये सी एच थ्री तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा एलिन में यहां पे जो ग्रुप्स हैं ये मान लीजिए आप इस प्लेन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और इस तरफ बाकी सारे सेम प्लेन में तो हम बोलेंगे कि बेटा ये वाला तो जी आई एग्जीबिट करेगा लेकिन ये वाला जी आई एग्जीबिट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि आपसे अगर पूछा गया है कि नंबर ऑफ जोमेट्रिकल आइसोमर्स तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एग्जिबिटिंग जी आई एग्जिबिटिंग जी आई तो बस एक है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोम कितने होंगे नंबर ऑफ जोमेट्रिकल आइसोम टू के पावर वन टू विच इज ऑप्शन नंबर थर्टी सेवन आपसे पूछ रहा है थर्टी सेवन आपसे पूछ रहा है पॉसिबल विद मॉलिकुलर फॉर्मुला सी फोर एच टेन ओ मॉलिकुलर फॉर्मूला को देखिए बेटा सी फोर एच टेन ओ सी फोर एच टेन को अगर आप गौर करिए तो ये सी एन एच ट्वाइस एन प्लस टू के फॉर्म में है यानी कि विच इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि इससे हमको पता चलता है कि इस कंपाउंड में कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है यानी कि ना रिंग होगा ना डबल बॉन्ड होगा विच मेक्स अ जॉबल इटल इजियर तो अगर मैं इसको बनाता हूँ तो हमको पता है कि अगर एक ही ऑक्सीजन आ रहा है तो ये या तो एल्कोहल होगा या तो एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होगा राइट तो सबसे पहले अगर हम लोग एल्कोहल देखते हैं एल्कोहल अगर देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट चेन एल्कोहल बना दूंगा ये आ गया चार कार्बन का स्ट्रेट चेन और उसके साथ फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्ट हो सकता है वच दूसरा अगर देखें तो चार कार्बन का स्ट्रेट चेन सेकंड पोजीशन पे कनेक्ट हो सकता है वच राइट अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ओ OH जिस ग्रुप के साथ कनेक्टेड है वो ब्यूटाइल है राइट वो ब्यूटाइल है ये सी फोर एच नाइन है राइट ये सी फोर एच नाइन अगर आप याद करो सी फोर एच नाइन के टोटल चार आइसोमर्स होते हैं ये हो गया आपका एक एन ब्यूटाइल फिर अगर हम लोग देखें तो एक पॉसिबिलिटी है ये ये देखो ये एक यहाँ पे अगर वन टू थ्री फोर ये देखो सेक ये हो गया सेक ब्यूटाइल फिर अगर हम एक और देखें तो एक हो सकता है टर्ट ब्यूटाइल टर्ड ब्यूटाइल है टर्ड ब्यूटाइल के साथ कनेक्टेड हो सकता है आपका और तीसरा हो सकता है तो इससे तो इस आपको सोचना नहीं है क्योंकि ब्यूटाइल का चार ही आइसोमर्स है तो बेसिकली चार एल्कोहल और उसके बाद अगर हम देखें तो हम बनाएंगे क्या ईथर ईथर अगर बनाना हो तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कार्बन लाइक ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ कार्बन आने वाला है तो अब सबसे सिंपल तो हम बना सकते हैं बेटा कि चार कार्बन को दो दो करके डिवाइड कर दें और एक डिविजन पॉसिबल है कि ऑक्सीजन के एक तरफ तो बस एक कार्बन और इस तरफ तीन तो इस तरफ तीन अब ये आ गया आपका प्रोपाइल ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप के दो आइसोमर्स होते हैं बेटा एक हो गया ये एन प्रोपाइल और एन प्रोपाइल को छोड़ के एक और आइसो प्रोफाइल आइसो प्रोफाइल अगर आपने बना लिया तो ये सिक्सटीन को छोड़ के और कोई ईथर आप बना नहीं सकते सो so, टोटल देख लीजिए बेटा आप कितने आइसोमर बनाए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी कि आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट में आपसे पूछ रहा है विच कंपाउंड शोन बिलो है सिक्स आइसोमर्स तो देखिए बेटा सी टू एफ टू सी एल जैसे कि एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं बेटा ऑप्शन ए सी टू एफ टू सीएल टू सी टू एफ टू सी एल टू को अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनना चाहिए एक तरफ एफ इधर एफ इधर सी एल इधर सीएल आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपाउंड हमारा जी आई शो नहीं करेगा राइट क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी सॉरी ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू डी इधर दोनों ग्रुप सेम है इधर भी दोनों ग्रुप सेम है लेकिन हम इसका एक और स्ट्रक्चर लाइसोम बना सकते हैं जिसमें एक तरफ एफ इधर सी एल इधर एफ और इधर सी एल अब ये आपको पता है कि ये जी आई शो करेगा राइट right? क्योंकि इसमें देखिए दोनों सीएल एफ पास पास में है एंड देर कैन बी अनदर कॉन्फिगरेशन आइसोमर आपको पता है कि इसी का एक ट्रांस आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा अब इन तीन को छोड़ के जैसे कि इसका ट्रांस भी बनाई देता हूं एफ सी एल डबल बॉन्ड सी एल एफ तो ये तीन को छोड़ के इसका और कोई आइसोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आ रहे हैं आपके थ्री राइट अगर हम ऑप्शन बी को देखें ऑप्शन बी है C2, F2, uh, CLBR, CLBR. तो इसमें भी अगर आप देखें अगर मैं दोनों फ्लोरीन को सेम साइड रख देता हूं और CL और बी आर को इस तरफ रखता हूं तो ये तो मेरा जी आई शो करेगा नहीं क्योंकि दोनों फ्लोरीन सेम हो गया लेकिन अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाऊ जिसमें एक तरफ F, एक तरफ Cl, इस तरफ F, इस तरफ Br, तो ये हो जाएगा आपका से साइस उमर क्योंकि एफ एफ सेम साइड पे है और इसका हम एक और ट्रांस आइस भी बना सकते हैं राइट right? तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो आ रहे हैं वो थ्री ऑप्शन सी पे आते हैं ऑप्शन सी जो है वो है सी टू एफ सी एल बी आर आई सी टू के साथ एफ सी एल बी आर और आई चारों के चारों हेलोजेंस अलग तो अगर हम देखें कार्बन कार्बन अगर मैं यहाँ पे F रखता हूँ यहाँ CL रखता हूँ यहाँ Br रखता हूँ और यहाँ I रखता हूँ आपको पता है कि ये कंपाउंड GI आई शो करेगा और GI आई शो करेगा तो ये दो फॉर्म में एक्सिस करेगा E और Z

और अगर मैं F के साथ एक तरफ आई रख देता हूं तो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा Cl और Br, आर ये भी आपका GI आई शो करेगा और ये भी आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा E और Z तो अगर यहां पे दो आइसोमर यहां दो आइसोमर यहां दो आइसोमर मिल रहे हैं आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोम मिल रहे हैं सिक्स सो दिस शुड बी आंसर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बेटा बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन मिक्सचर ऑफ 2 ब्यूटानल विद ऑप्टिकल रोटेशन थीटा इज प्लस 6.76 पॉइंट डिग्रीज अगर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनमर ऑफ डेक्सट्रो टू ब्यूटेनॉल दिया हुआ है 13.52 पॉइंट फाइव टू डिग्रीज देखिए बेटा ऑप्टिकल रोटेशन अगर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्टिकल रोटेशन अगर आपको दिया है प्लस 6.76 पॉइंट डिग्रीज और अल्फा अल्फा दिया हुआ है Uh, कितना प्लस 13.52 पॉइंट डिग्रीज तो यहाँ पे आपको देखने से ही समझ में आना चाहिए कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो स्पेसिफिक रोटेशन के वैल्यू का हाफ है थीटा इज अल्फा बाय टू क्योंकि 13.52 डिग्रीज को अगर आप टू से डिवाइड करो तो आपका आता है 6.76 डिग्रीज राइट इसका मतलब क्या इसका मतलब ये कि मेरा जो मिक्सचर है इनैंशियोमरिक मिक्सचर है उसमें बस 50% परसेंट ऑफ द मिक्सचर इज शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी राइट यानी कि 50% इसका मतलब क्या है हमारा 50% परसेंट इज माई इनैंशियोमरिक एक्सेस इनैंशियोमरिक एक्सेस इनैंशियोमरिक एक्सेस मतलब एक मिक्सचर में जो परसेंटेज ऑप्टिकल रोटेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है अब जो पार्ट ऑप्टिकल रोटेशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो क्या है वो रेसिबिक हो गया है बात समझ यानि में आया आप यानी कि उसमें क्या हो रहा है वो डेक्सट्रो और लेवो एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर रहे हैं अब अगर आपको इनशोमरिक एक्सेस का फॉर्मूला पता हो तो दैट इज डी माइनस एल डिवाइडेड बाय डी प्लस एल इन टू हंड्रेड राइट अब इनाशियोमरिक एक्सेस मेरे को पता है पचास परसेंट है ड्रेक्सट्रो और लेवो अब आप मेरे को बताइए इस ऑप्शन यहां पे क्या रखें जिससे कि मेरा 50% परसेंट आए अगर एक एक करके आप ऑप्शंस को सब्सिट्यूट करके देखें तो देखो पहला ऑप्शन को देखो पहला ऑप्शन में अगर बोल रहा है डेक्सट्रो ट्वेंटी है लेवो सेवेंटी है और डेक्सट्रो ले तो प्लस लेवो तो ट्वेंटी फाइव प्लस सेवनटी इसका मॉड ले रहे हैं। और ये हंड्रेड आ रहा है तो इसका अगर देखें तो हमारा फिफ्टी परसेंट आ तो जरूर रहा है लेकिन ये 50% परसेंट क्या होगा 50% परसेंट यहां पे डेक्स्ट्रो का अमाउंट कम है लेवो का अमाउंट ज्यादा है। यानि कि ये होगा 50% लेवो। ये हमारा होता, अगर मेरा रोटेशन ऑब्जर्व किया होता माइनस रोटेशन ऑब्जर्व किया होता डिग्री से लेकिन हमको बोला गया है कि मेरा थीटा प्लस सिक्स है यानी कि एक्सेस में कौन है एक्सेस में डेक्स्ट्रो है लेकिन यहाँ पे हमको ये भी पता चल रहा है कि 50% परसेंट आ रहा है इसी तरीके के से यानी कि अब हमको पता चल गया कि डेक्स्ट्रो होना चाहिए मेरा 75% और परसेंट और लेवो होना चाहिए 25% तब क्या होगा 25% परसेंट लेवो 25% परसेंट डेक्स्ट्रो को के ऑप्टिकल रोटेशन को रिवर्स कर देगा कैंसल आउट कर देगा कॉम्पेंसेट कर देगा और बचेगा क्या बचेगा 50% एक्स्ट्रो जो कि ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा और आपको कितना ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा प्लस 6.76 डिग्रीज़ सो दिस कंपोजिशन कॉरेस्पोंड्स टू माय ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 अब आपको यहाँ पे दो फिशर प्रोजेक्शंस दिए गए हैं ठीक है दो फिशर प्रोजेक्शंस के बीच में आपको बताना है कि आ, ये इनैनशियोमर है या डायस्टीरियोमर है ठीक है बेटा CHO यहां क्या दिया गया है सी एच टू ओ एच यहां है आपका सी टू एच फाइव और यहां है एच यहां एच यहां सी एल और यहां है एच सी एच टू ओ एच सी एच ओ सी टू एच फाइव एच और सी एल राइट अब जैसे कि अगर आपको दो फिशर प्रोजेक्शन को कंपेयर करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा हम यूज कर सकते हैं आर एस कॉन्फिगुरेशन आर एस कॉन्फिगुरेशन में क्या करेंगे बेटा हम लोग सीआईपी सिस्टम को यूज करके हर एक कार्बन के साथ कनेक्टेड जो चारों ग्रुप है उनको प्रायरटी असाइन करेंगे प्रायोरटी असाइन करने के बाद जो फोर्थ प्रायोरटी ग्रुप है फोर्थ प्रायरटी ग्रुप है हम नोटिस करेंगे कि वो वर्टिकल है सॉरी वर्टिकल पोजिशन पे है या फिर हॉरिजोंटल पोजिशन पे है अगर वर्टिकल पोजिशन पे हुआ और मेरे को मूव कहां से कहां तक करना है बेटा वन से लेके टू से लेके थ्री तक मूव करना है वर्टिकल पोजीशन पे रहते रहते अगर मैं वन से लेके टू से लेके थ्री तक जाते हुए अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन आर आता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो ऐसा आता है हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो ऐसा आता है एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आर आता है तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे दोनों कायरल काबन पे मेरा इस कार्बन इस कायरल काबन पे अगर देखा जाए तो आउट ऑफ ऑल द ग्रुप्स विच आर कनेक्टेड तो हम देखेंगे मेरा यहाँ पे कार्बन के साथ कनेक्टेड है ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन अब कार्बन यहाँ पे देखो इन इसमें भी कार्बन है इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है अब कार्बन के आगे क्या कनेक्टेड है आगे का सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है और और एक हाइड्रोजन है यहां अगर देखें तो एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन राइट यहाँ तो बस हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन के आगे है मेरे पास हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन यानी कि एच कार्बन और क्लोरीन तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रायटी तो प्रायटी सबसे ज्यादा तो हो जाएगा मेरा इसका वन फिर आएगा प्रायटी मेरा सी एच ओ का फिर आएगा थ्री इसका और फिर फोर आएगा इसका तो फोर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे है और वन से लेकर टू से लेकर थ्री अगर मेरे को मूव करना है तो मेरे को एंटी क्लॉक मूव करना पड़ेगा और जिसके कारण इसका कॉन्फिगरेशन हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल में सॉरी एंटी एंटी क्लॉक वाइज मूव करो मैं एंटी क्लॉक वाइज मूव करते वक्त मेरा आ जाएगा ये आर और नीचे वाले में अगर देखें मैं नीचे वाले में अगर देखूं मैं तो नीचे वाले कार्बन पे कॉन्फिगरेशन क्या आता है बेटा नीचे वाले कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे कनेक्टेड है क्लोरीन वन उसके बाद यहां पे है कार्बन यहां पे भी ये कार्बन लेकिन इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ दो आ, कार्बन एक हाइड्रोजन तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका टू हो जाएगा इसका प्रायरटी थ्री हो जाएगा इसका प्रायटी फोर हो जाएगा तो वन वन टू से लेके थ्री फोर हॉरिजॉन्टल पे है वन से लेके टू से थ्री जाते है मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज होता है तो कॉन्फिगरेशन होता है एस राइट right? अब यहां पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर एस देखते हैं यहां पे क्या आता है यहां पे अगर मैं देखूं प्रायरि तो हम पहले ही बता चुके हैं बेटा कार्बन पे नीचे वाले का प्रायरटी वन होगा सी एच ओ का प्रायरटी टू होगा सी टू एच फाइव का प्रायटी थ्री होगा इसका प्रायटी फोर होगा तो वन टू से लेकर फिर थ्री एच इस बार मेरा वर्टिकल पोजिशन पे है वर्टिकल पोजिशन पे होते हुए अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो ये आ रहा है आर राइट right? और यहां पर अगर आप नोटिस करें बेटा ये नीचे वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है तो हम बोल सकते हैं कि ये अगर एस है तो उसका मिरर इमेज का कॉन्फिगरेशन ऑब्वियसली क्या होगा बेटा आर होगा तो यहां कॉन्फिग्रेशन आ रहा है आर एस यहां आ रहा है आर आर यानी कि वो दोनों एक दूसरे के इनश्यूमर नहीं है अगर देखा जाए यहां आर एस है यहां आर आर है तो हम बोल सकते हैं कि ये आर ये

पूछा गया है विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इथेनॉल एंड मेथॉक्सी मीथेन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम वैल्यूज अब आपको दिखाई देगा कि इथेनॉल और मेथॉक्सी मीथेन में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है बेटा यहां एक ओएच OH बॉन्ड है यहां ओएच OH बॉन्ड नहीं है जिसकी वजह से जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि क्या कहते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल लेकिन इसमें क्या होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है अगर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां ज्यादा है यहां कम है यहां मतलब पॉसिबल नहीं है मतलब कम है तो उसके कारण उस डायरेक्टली क्या क्या फैक्टर्स uh, इफेक्ट होते हैं बेटा उसके कारण उसका वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है उसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होता है यानी कि इन दोनों का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा यानी कि इसका हीट और वेपराइजेशन भी सेम नहीं होगा यानी कि फर्स्ट तीन ऑप्शंस जो है वो तो हमारा सेम इन दोनों आइसोमर्स का नहीं हो सकता अब अगर फोर्थ ऑप्शन को देखें तो आ रहा है वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वेपर डेंसिटी इज Mass by अब दोनों, सिंस की दोनों का mass सेम यानि की इन दोनों का वेपर डेंसिटी भी सेम तो हम आंसर कौन सा बोलेंगे ऑक्सीजन है, बोल रहा है, carbon, बोला गया है किसको देखना है बेटा कीटोन को देखना है। तो अगर आप कीटोन का फॉर्मूला कीटोन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखो तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो आप सिंपलेस्ट कीटोन बना लीजिए बेटा सिंपलेस्ट कीटोन अगर आप देखें सी एच थ्री सी एच थ्री होता है इसका अगर आप फॉर्मूला लिखने का कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कार्बन तीन है हाइड्रोजन छ है और एक ऑक्सीजन है यानी कि अब यहां से आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं कि उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा सी एन एच अगर यहाँ पे इस अब आपको क्वेश्चन बोला है कि 100 मोलिकुलर मास वाला कीटोन का कितना ही सुमर्स हो सकता है तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कार्बन कितने होंगे उसमें तो हम बोल सकते हैं कि सी एन एच वाइस ओ अगर है तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 तो 12n हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 तो फॉर टू हाइड्रोजन पे बेटा ट्वाइस n और ऑक्सीजन अगर एक ही ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास सॉरी एटॉमिक मास मेरे को पता है इज 16 तो इनका सम कितना आना चाहिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 आना चाहिए तो इनका सम अगर 100 है तो हम बोल सकते हैं ट्वेल्व एन प्लस टू एन फोर्टीन एन मस्ट भी टू हंड्रेड माइनस सिक्सटीन एटी फोर तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा n का वैल्यू सिक्स अगर आ रहा है तो हम ऑटोमेटिकली करने से आ जाएगा हमारा जनरल ऑटोमैटिकली सिक्स एच कि मेरे को बेसिकली कार्बन वाले कीटोन्स का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करना है तो अगर हम कार्बन वाला कीटोन्स देखें तो सबसे पहले तो बेटा में एक दो तीन चार पाँच कार्बन का स्ट्रेट चेन बना दिया मैं अब मैं कीटोन अगर हूं कीटोन ऑब्वियसली टर्मिनल पोजिशन पे एक्सिस्ट नहीं कर सकता तो सबसे पहला जो मैं बनाऊंगा वो है ओ अब मेरे को बताइए इसमें कार्बोनिल कार्बन के इस साइड में एक एक कार्बन है और इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा आ, एक दो तीन चार चार कार्बन है राइट यानी कि ये क्या है ब्यूटाइल है अब आपको पता है कि ब्यूटाइल के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल टर्ड ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल बस आपको इतना ही सोचना है बेटा यानी कि ब्यूटाइल चार फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं ब्यूटाइल अगर चार फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं यानी कि यहाँ पे इसका इसका कितना आइसोमर हो जाएगा बेटा बेसिकली कीटोन का पोजिशन को टू रखते हुए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे इसको चार फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता हूँ इसका चार फॉर्म्स होगा चार फॉर्म्स क्या क्या एक तो हो गया एनब्यूटाइल एक हो गया सेकब्यूटाइल एक हो गया आइसो ब्यूटाइल और एक हो गया टर्ट ब्यूटाइल राइट और तो ये हो गया पहला चार आइसोमर्स अब अच्छा। मैं क्या करूंगा कीटोन का पोजीशन चेंज करूंगा कीटोन का पोजीशन अगर मैं चेंज करता हूं तो ऐसे ही छह कार्बन में रख के अगर मैं का इसको थर्ड पोजीशन uh, पे डालता हूं तो थर्ड पोजीशन में डालने के बाद इस तरफ दो कार्बन बच रहे हैं इथाइल का कोई और आइसोमर नहीं है बेटा इथाइल तो सी टू एस फाइव बस वो दो कार्बन स्ट्रेट ही आएगा और यहां बच रहा है आपका सॉरी प्रोपाइल अब प्रोपाइल के कितने फॉर्म्स होते हैं बेटा प्रोपाइल के आपको याद होने चाहिए दो फॉर्म्स होने होते हैं एक तो हो गया बेटा आपका एक हो गया आपका आ, एन प्रोपाइल और दूसरा होगा आपका आइसो प्रोपाइल राइट अब ये तो हो गया आपके पास छोमर्स अब आप बोल सकते हो कि ये कीटोन को मैं और एक बार मूव कर देता हूं लेकिन एक बार मूव करने से क्या आएगा बेटा वो फिर इस तरफ से थर्ड पे आ जाएगा जिसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं तो दैट मीनस हमारे पास इस आ, हमारे पास इसका इससे ज़्यादा आइसोमर नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आ रहे दैट इज़ ऑप्शन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ओके क्वेश्चन पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव व्हेन दे से वेव दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द डीप्रॉय इट right? तो डी ब्रॉय वेवलेंथ को अगर एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो लेमडा इज एच बाय वी अब आपको पता है कि किसी भी वेव के लिए वेलोसिटी ऑफ अ वेव वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेव, वेव इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं कि लेमडा इज इक्वल टू वी बाय फ्रीक्वेंसी तो ये वाला फॉर्म में अगर मैं लेमडा एक्सप्रेस करूं तो मेरा आ जाएगा वी बाय न्यू इज इक्वल टू एच बाय एम वी अब ये वी को मैं राइट हैंड साइड में ले आता हूँ वी को अगर मैं राइट right साइड में ले आता हूं तो मेरा आ जाएगा वन बाय न्यू इज इक्वल टू एच बाय वी स्क्वायर राइट अब मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लूँगा दोनों साइड रेसिप्रोकल लेने से न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एच अब मैं क्या करूँगा बेटा अब मैं इसको आगे टू मल्टीप्लाई करूंगा और टू से डिवाइड भी कर दूंगा तो अगर इस एक्सप्रेशन को आप अच्छे से देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा टू इंटू हाफ एम वी कैन बी रिटर्न एनर्जी बाय दिस इज ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी क्वेश्चन फोर्टी फोर में आपसे पूछा है फॉर क्रोमियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एल इक्वल वन एंड एल इक्वल्स टू आर रेस्पेक्टिवली एल इक्वल्स टू वन दैट मीन एजमोथुलंटम नंबर अगर वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पी सेप्शन और एल इक्वल टू टू यानी कि अजमतुल क्वांटम नंबर अगर टू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डी सेप्शन तो ये चीज़ अगर समझते हैं हम सबसे पहले आसानी से लिख लेंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्रोमियम का अटोमिक नंबर ट्वेंटी फोर होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर देखें तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और सॉरी फोर एस टू नहीं होता फोर एस वन होता है और 3D5. आपको पता होगा बेटा क्रोमियम थोड़ा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट करता है अब यहाँ पे अगर आपको बोला है L इक्वल्स वन दैट मीन्स P सबशेल तो आपसे पूछा है P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा P यहाँ है और यहाँ है इसको छोड़ के तो कहीं है नहीं तो यहाँ आ रहे हैं आपके पास छः इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं आपके पास छः इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पी सबशेल में टोटल बारह इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल इक्वल्स टू टू रिप्रजेंट कर रहा है आपका डी सबशेल

इस तरीके से कुछ एनर्जी लेवल बना रहे हैं अब मेरे को बताइए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है वो यहां से हायर एनर्जी लेवल पे गया एक कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करके मान लीजिए एनर्जी वन ई वन ले लेते हैं उसको और वो जब ड्रॉप कर रहा है वापस अपने ओरिजिनल स्टेट तक तो वो दो स्टेप्स में ड्रॉप कर रहा है इसको मान लेते हैं ई टू इसको मान लेते हैं ई थ्री तो एक तो हम लोग डायरेक्टली ये बात बोल सकते हैं कि ई वन जो होगा ई वन का मैग्नीट्यूड जो होगा ई वन ई टू प्लस ई थ्री का सम करेक्ट अब आपको इन तीनों एनर्जीज के वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिए हुए हैं मैंने दो का दिया हुआ है एक का निकालना है बस अब मेरे को बताइए बोला है जो फोटोन ने एब्जॉर्ब किया है वो था 355 नैनोमीटर का और एक जो एमिट किया एक जो एमिट किया वो है सिक्स नैनोमीटर का तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा लेमडा वन है ये मेरा लेमडा टू है तो मेरे को लेमडा थ्री का बेसिकली वैल्यू निकालना है अब मेरे को बताइए एनर्जी को अगर मैं लेमडा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का कोशिश करूँ तो ये आएगा एच सी बाय लेडा वन ये आएगा एच सी बाय लेमडा टू ये आएगा एच सी बाय लेमडा थ्री एच सी तो कैंसिल होना है तो हम करेंगे क्या बेटा लेमडा वन का धीरे धीरे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर आ जाएगा वन बाई थ्री फिफ्टी फाइव इक्वल्स वन बाय सिक्स एटी और मेरे को मान लीजिए लेमडा थ्री का वैल्यू निकालना है बेटा इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएटिंग लग सकता है लेकिन है नहीं आपको बस थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा बेटा आप मेरे को ये बताइए वन बाई थ्री को मैं क्या वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स लिख सकता हूं राइट right? क्योंकि वन बाय सिक्स प्लस वन बाई सिक्स टू बाय सिक्स आएगा एंड टू बाई सिक्स इज नथिंग बट वन बाई थ्री राइट अब इसी को थोड़ा इसके करीब लाने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि वन बाय थ्री पॉइंट फाइव अगर लोग मैं तो उसको क्या लिखूंगा वन बाय सेवन प्लस वन बाय सेवन करेक्ट वन बाय सेवन प्लस वन बाय सेवन दैट मीनस बेसिकली यहां जो नंबर है वो उसका डबल आ रहा है कि नहीं दो बार अब आप मेरे को बताइए ये नंबर 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई करने से इसी नंबर के करीब पहुंचेंगे यानी राइट और ये भी देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास है कि नहीं

ऑप्शन सी इज 743 व्हिच इज कलो टू एंड दैट इज श्योरली माय आंसर सो आंसर शुड बी ऑप्शन से हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर C4H8O C4H8O ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो वो आ रहा है cn एन एच के फॉर्मेट में सी एन एच टाइस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एज वेल एज साइक्लो राइट तो यानी कि हमारा स्ट्रक्चर में या तो डबल बॉन्ड या तो साइक्लो आना चाहिए यानी कि रिंग आना चाहिए अब क्वेश्चन में अगर आगे पढ़े विच आर साइमल्टेनियसली ईथर ईथर भी होना होगा उसको एल्कोहल को देखना नहीं है सच दैट देर इज नो sp2 टू हाइबाइज एटम अब आपको पता है कि एल्किन्स किससे बनते हैं एल्कीन एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्वेश्चन में मना कर दिया आपको यह लेने के लिए तो बेसिकली आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि आपके कंपाउंड में क्या होना चाहिए रिंग होना चाहिए और वो ईथर भी होना चाहिए और उसका फॉर्मूला C4H8O ओ होना चाहिए तो आपको गिनना है वैसे कितने आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं राइट right? तो अगर मैं सबसे सिंपल आइसोमर जो बनाऊ सी फोर एच एट ओ साइक्लिक ईथर अगर बनाना है मेरे को तो मैं सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर बना सकता हूं वो ये है राइट right? अब मैं क्या करूंगा मैं धीरे धीरे रिंग छोटा करूंगा देखूंगा क्या वेरिएशन पॉसिबल है तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ फाइव मेंबर रिंग अगर मैं फोर मेंबर रिंग लेता हूं तो मेरे को बताइए एक कार्बन एक्स्ट्रा रह गया वो कार्बन क्या आएगा एक मिथाइल सब्सिट के फॉर्म में आएगा वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है राइट right? अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज वॉट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज अगर मैं थ्री मेंबर रिंग बनाना शुरू कर दूं थ्री मेंबर रिंग अगर बनाता हूं तो मेरे को दो कार्बन एडजस्ट करने हैं या तो वो दो कार्बन सेम कार्बन पे एज एन इथाइल ग्रुप आ जाए या तो ऑन द सेम कार्बन दो मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में आ जाए और या तो एक और पॉसिबिलिटी है कि दोनों इंडिविजुअली दोनों अलग अलग कार्बन पे मिथाइल के फॉर्म में है राइट right? अब इसको छोड़ के भी अगर देखा जाए तो एक और पॉसिबिलिटी है वो होगा आपका अगर आप एक साइक्लोप्रोपाइल ले लें ऑक्सीजन और यहां ले, ले लेते हैं CH3 तो ये टोटल सात आइसोमर बनने चाहिए मेरे यानी कि हमारा आंसर होगा सेवन 47 क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ वन टू थ्री फोर टेट्रा फ्लोरो वन थ्री ब्यूटा डाइन आर नॉन पोलर तो देखिए बेटा वन टू थ्री फोर टेट्रा फ्लोरो वन थ्री ब्यूटा डाइन इनके आइसोमर्स बनाने मेरे अब देखिए सबसे पहले ब्यूटा डाइन है वन थ्री है तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं राइट ब्यूटा वन थ्री डाइन हो गया अब आपको पता है कि इन चारों कार्बंस पे एक-एक फ्लोरीन लगेगा तो देखिए बेटा अगर हम देखें तो हम इस पे फ्लोरीन लगा देते हैं 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 अब ये आइसोवर को अगर आप देखें तो इस आइसोमर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा दोनों का दोनों डबल बॉन्ड सिस कॉन्फिगरेशन में है राइट right? अब अगर मैं इसका एक और आइसोमर बनाऊं तो पहले वाले को मैंने सिस में रख दिया और दूसरे वाले को ट्रांस में राइट और एक और आइसोमर बनेगा इस बार मैं दोनों को ट्रांस में रख दूंगा या फिर पहले वाले को ट्रांस अच्छा इसमें पहले वाले को इसमें एच दे देते हूँ चले तो एच यहाँ एफ आ गया यहाँ एफ आ गया तो ये आ गया हमारा ट्रांसफॉर्म में और अगर हमको यहां पे भी ट्रांस बनाना है तो हम यहां एफ दे, दे देंगे यहां एफ दे, दे देंगे यहां एच दे, दे देंगे राइट right? तो ये दोनों ट्रांस हो गए पे भी हाइड्रोजन बना देता और अगर हम एक और आइसोमर बनाते हैं इसका जिसमें क्या होगा सिसिस हो गया ट्रांस ट्रांस हो गया सिस ट्रांस हो गया मैं ऊपर वाले में ट्रांस देता हूं और नीचे में नीचे वाले में राइट right. अब सिंस की ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ये सिमेट्रिक है तो हमको ये पता चलेगा कि बेटा अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर दूं, तो ये बिल्कुल यही बन जाता है यानी कि हम क्या बोलेंगे मेरा ये दोनों तो आइडेंटिकल है ये दोनों आइडेंटिकल है यानी कि हमारे पास टोटल तीन आइसोमर्स आ रहे हैं अब हमको देखना है कि आउट ऑफ दीज थ्री आइसोमर्स कितने नॉन पोलर हैं तो अगर आप देखिए डायपोल मोमेंट तो मेरा इसमें अगर देखो तो इसमें डायपोल मोमेंट कुछ डायरेक्शन में जाएगा तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जा रहा है एक ये दोनों डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं लेकिन ये वाले डायपोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे क्योंकि इनका नेट रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा अब अगर ये दोनों में अगर हम लोग चेक करें तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये दोनों डायपोल का नेट कुछ इस तरफ आएगा और ये दोनों बॉन्ड डायपोल का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे आप अगर बाकी बॉन्ड्स भी देख लें तो बाकी बॉन्ड्स के भी डायपोल मोमेंट्स बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं तो ये कंपाउंड मेरा क्या हो जाएगा बेटा नॉन पोलर और ये वाला में अगर देखें ये तो आपको पता है यहाँ पे दोनों ही ट्रांस हैं तो ट्रांस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं बॉन्ड्स जिसकी वजह से इन दोनों बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और नेट नेट कम मोमेंट जीरो हो जाएगा जिसकी वजह से ये भी नॉन पोलर अब इसमें इन दोनों में ये दोनों आइडेंटिकल है इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या कहते हैं यहाँ पे ट्रांस वाला फॉर्म का तो डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया लेकिन सिस का कैंसिल नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये पोलर रहेगा सो आउट ऑफ द थ्री आइसोमर्स

राइट right? अब आपसे पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर विद नॉन जीरो मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड आर अब अब बनाना है अगर हमें तो हमको सबसे पहले उसको ये फिशर को मेरे को सोहर्स प्रोजेक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मैं अगर इसका सोहर्स बनाता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि फिशर बस एक्लिप्स फॉर्म से बन सकता है राइट right? तो यहां से अगर मैं एक फॉर्म बनाता हूं सौ हॉर्स का तो वो कुछ इस तरीके का होगा और आपको पता है हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स जो होते हैं वो मेरी ओर आ रहे होते हैं और जो वर्टिकल पोजीशन पे जो ग्रुप्स होते हैं वो मेरे से दूर जा रहे हैं तो मैं अगर इस तरफ आप इमेजिन कर लीजिए यहां पे आप प्रेजेंट हैं आप इस तरफ से मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो बी आर आपकी ओर आ रहा है सी एच थ्री आपकी ओर आ रहा है यहां बी आर आपकी ओर आ रहा है सी एल आपकी ओर आ रहा है और यहां सी एल आपसे दूर जा रहा है और यहां CH3 थ्री आपसे दूर जा रहा है राइट तो अब इसको यूज करके मैं क्या बनाऊंगा बेटा इसको यूज करके अब इसको मैं क्या काम एक काम करूंगा इसको रोटेट करके ना ये सी एच थ्री को ऊपर ले आता थ्री को अगर मैं ऊपर लाता हूं, तो ये आपका CH3 थ्री लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका CL यहां आ जाएगा बी आर और पीछे CH3 थ्री लेफ्ट साइड में आपका बी आर राइट साइड में सीएल राइट right? यहां पे मैंने क्या किया मैंने बस ये सी एच थ्री को ऊपर रोटेट करके टॉप वाला पोजीशन दे दिया है अब मैं इससे बनाने का कोशिश करूंगा कॉन्फॉर्मर अब कॉन्फॉर्मर अगर बनाना है आपको तो और आपको बोला है स्टेबल कॉन्फार्मर स्टेबल कॉन्फॉर्मर में तो ऑब्वियसली स्टैगर्ड आएगा अब मैं यहां पे दो बॉन्ड्स को नाम दे देता हूँ ये अल्फा है ये बीटा है अल्फा से कनेक्टेड क्या है बेटा ऊपर में सी एच थ्री है यहां सी एल है यहां बी आर है राइट right? अब बीटा में अगर देखूं मैं बीटा में अगर मैं इस पोजिशन पे तो बेसिकली मेरे को यहां से कॉन्फॉर्मर बनाने के लिए मेरे को अल्फा को स्टेबल रख के बीटा को 60 डिग्री रोटेट करना सी एच थ्री आ जाएगा यहां सी एल आ जाएगा यहां बी आर आ जाएगा ये एक स्टेबल कॉन्फॉर्मर है अब यहां पे अगर मैं देखू अगर मैं आ, अगर मैं आपके सी एच थ्री को 60 डिग्री राइट रोटेट करने की जगह अगर मैं 60 डिग्री लेफ्ट रोटेट कर लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा आपका सी एच थ्री ये अल्फा पर तो पोजिशन सेम ही रहेंगे लेकिन यहाँ आ जाएगा सी एच थ्री और सी एच थ्री के लेफ्ट साइड में कौन है बेटा बी आर यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सी एल ये भी एक और स्टेबल कॉन्फॉर्मर है और इसको छोड़ के अगर मैं सी एच थ्री को जगह की जगह बीटा के सिक्सटी को सॉरी बीटा के सी एच थ्री को पूरा वन एटी डिग्री रोटेट करता हूं तो एक और कॉन्फॉर्मर आएगा जिसमें पे तो वही रहेगा बी आर लेकिन सी एच थ्री जब ये घूम के नीचे आ जाएगा 180 डिग्री ये रोटेट करेगा तो सारे ग्रुप्स भी उसके साथ 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका सी एच थ्री लेफ्ट में आ जाएगा आपका सी एल और यहां आ जाएगा आपका बी आर अब ये तीन को छोड़ के और कोई स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स पॉसिबल नहीं है अगर अगर स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स छोड़ के और कोई पॉसिबल नहीं है जिनका नॉन जीरो जीरोपोल मोमेंट हो तो हम क्या बोलेंगे बेटा क्योंकि आप देख सकते हैं इन तीनों में से किसी का भी जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा सीएससी सीएसटी भले एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन दो सीएल का सम और दो बी आर का सम इक्वल नहीं होगा राइट और इन दोनों में तो ऑब्वियसली नॉन जीरो ही होगा तो हमारा आंसर होना चाहिए फोर्टी एट का

एस में एक और बाइटल होता है पी में तीन होते हैं डी में अगर देखा जाए तो पांच होते हैं और एफ में सात और बाइटल राइट अब आपको पता है कि ये एम का जो वैल्यूज होता है वो वैरी करता है माइनस एल टू प्लस एल जिसके कारण यहाँ पे तो वैल्यू जीरो आता है यहाँ माइनस वन जीरो प्लस वन यहाँ माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू माइनस टू माइनस वन सॉरी माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री अब क्वेश्चन में आपको बोला है मेरे को उन ऑर्बिटल्स में इंटरेस्ट है जिसमें मेरे को बेसिकली उन एलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्ट है जिसके लिए मॉड ऑफ एम एल का वैल्यू वन आए यानी कि एम का वैल्यू प्लस वन भी हो सकता है माइनस वन भी तो हमारे इंटरेस्ट का ऑर्बिटल्स कौन कौन सा होगा बेटा एक तो होगा ये एक होगा ये फिर यहां माइनस वन प्लस वन माइनस वन और प्लस वन तो ये सिक्स ऑर्बिटल्स। अब मेरे को बताओ ये इन सिक्स ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रह सकते हैं जिनका स्पिन एमएस माइनस हाफ अब आपको पता है कि एक और बाइटल में माइनस हाफ स्पिन का एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो यहां एक यहां एक यहां एक यहां एक और ये दोनों में भी एक एक तो बेसिकली मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे जो हमारा ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करें आंसर होना चाहिए कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन में बोला है एटॉमिक मासस ऑफ हीलियम एंड एंड नियॉन आर रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस एट -73 डिग्री सेल्सियस इज एम टाइम्स दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ नियोन ट्वेंटी 727 तो आपको एम का वैल्यू निकालने पूछा है निकालने के लिए बोला है अब आपको पता है कि डिब्रॉय वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं कि एच बाय रूट ओवर ट्वाइस एम के ई राइट अब क्वेश्चन में टेम्परेचर आया है और आपको बोला है गैस ही राइट right? अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो उसका बताया नहीं राइट right? लेकिन आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेसड एज थ्री बाय टू आर टी यस काइनेटिक एनर्जी तो अब मेरे को बताइए यहां पे हम ये बता सकते हैं कि नहीं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो मैं सारे कॉन्स्टेंट्स को हटा के मैं काइनेटिक एनर्जी के जगह पे वहाँ पे टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यानी जैसे कि यहाँ पे डी ए टू कॉन्स्टेंट है एच कॉन्स्टेंट है तो बेसिकली अगर आपको लास्ट में जाके डिब्रॉय वेव लेंथ का रेशियो ही लेना है तो जो कॉन्स्टेंट है वो कैंसल आउट होंगे राइट तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय टेम्परेचर बिकॉज डिपेंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा लैमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट ओवर एम और काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या लिखूंगा एम टेम्परेचर अब आपको बोला है डीब्रॉय वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस एट माइनस सेवेंटी तो लेमडा एच ई लेमडा क्या होगा बेटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट ओवर ऑफ मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है क्वेश्चन में फोर और टेंपरेचर बोला माइनस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस यानी कि कितना कैलविन 200 हंड्रेड राइट और बोला गया है लेमडा किसका नियॉन का नियॉन का क्या बोला गया है वन बाय ओवर ऑफ कितना मास uh, कितना दिया हुआ है ट्वेंटी दिया हुआ है और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है सेवन ट्वेंटी सेवन सेवन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस विल बी प्लस टू सेवनटी थ्री कैलविन दैट विल बी थाउजेंड कैलविन राइट अब आपसे पूछा है लेमडा एच और लेमडा एनी का रेशियो लेमडा एच बाय लेमडा एनी अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या होगा बेटा मेरे को बताइए क्या मैं लिख सकता हूँ वन बाय रूट ओवर ऑफ फोर इंटू टू हंड्रेड और यहाँ पे वन बाय रूट ओवर ऑफ ट्वेंटी इंटू थाउजेंड राइट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट ओवर ऑफ जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा ट्वेंटी इंटू थाउजेंड डिवाइडेड आएगा फोर इंटू टू हंड्रेड फोर फाइव ज ट्वेंटी टू हंड्रेड फाइव ज थाउजेंड तो ये आ रहा है रूट ओवर ट्वेंटी फाइव यानी कि फाइव तो हम बोल सकते हैं कि जो लेमडा ऑफ एच ई है दैट इज फाइव टाइम्स द लेमडा ऑफ एनी तो हमारा क्वेश्चन में बोला था एम टाइम्स तो एम का वैल्यू फाइव तो आंसर इज फाइव